पंजाब के स्कूलों में 70% फीस वसूलने के मामले में भी अब सुनवाई कोर्ट में। स्कूलों और अभिभावकों के वकीलों को पंजाब के एजी के साथ मीटिंग करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि सभी पार्टियां आपस में मिलकर इसका हल निकालें। जल्द ही दोनों पक्ष के वकील पंजाब के एजी अतुल नंदा से करेंगे मीटिंग। कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों और पेरेंट्स को नोटिस भी जारी किया। 12 जून को होगी अगली सुनवाई। तो पंजाब के स्कूलों में 70% फीस वसूलने के मामले में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने स्कूलों को और जो पेरेंट्स हैं अभिभावक हैं उनके वकीलों को पंजाब के आईजी के साथ मीटिंग करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सभी पार्टियां आपस में मिलकर इसका हल निकाल लें। जल्द ही दोनों पक्ष के वकील पंजाब के एजी अतुल नंदा से मीटिंग भी करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए नितिका महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नितिका, और क्या कुछ जानकारी बताएं, क्या कुछ कोर्ट ने कहा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नैन्सी की सबसे पहले प्राइवेट स्कूलों ने ही हाईकोर्ट का रुख किया था। उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि आप 70% जो फीस है टोटल फीस का 70% ले सकते हैं। इसके साथ ही जितने भी आपके इम्प्लॉयज़ हैं उनको भी 70% जो है सैलरी दे सकते हैं। लेकिन पंजाब सरकार का स्टैंड क्लियर है। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन के कारण जो हालात बने हैं उसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो फुल फीस नहीं दे सकते, ना ही 70% दे सकते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए, यानी कि जो बिल्डिंग के चार्जेस हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं उन वो सारे चार्जेस जो हैं वो ना लिए जाएं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए। इसको लेके पंजाब जब बताते हैं कि हाईकोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर्स दिए थे उसको पंजाब सरकार ने चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि एक मीटिंग जरूर कोर्ट ने करने के लिए कहा है ताकि 12 जून को एक फाइनल फैसला जो है वो सुना दिया जाए। क्योंकि नैन्सी, हम लगातार पंजाब में भी देख रहे हैं जो अभिभावक हैं वो स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल के जो मैनेजमेंट है बार बार उन्हें मैसेज कर रही है कि 100% जो फीस है वो दी जाए। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मामला है जिस पर बच्चों का भविष्य जो है वो टिका हुआ है, इसलिए पहले एक मीटिंग होगी, उसके बाद 12 जून को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट अपना फैसला जो है वो सुना सकता है। इसमें सीएम का रुख देखें तो वो भी कहते हुए नजर आए, जब स्कूल ही नहीं खुल रहे हैं तो किस बात की फीस, और उनका भी रुख साफ दिखाई दे रहा है। अब जो ये मीटिंग होगी जिसमें कोर्ट ने कहा है कि सभी मिलकर, सभी पार्टियां मिलकर आपस में कोई हल निकाले, तो इसमें कितना समय लग सकता है? देखिए, ये मीटिंग आज शाम को भी की जा सकती है और कल भी की जा सकती है, क्योंकि आज ही कोर्ट के आदेश आए हैं। तो इसलिए जो है मीटिंग एक जरूर करनी होगी, क्योंकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आप अपने तौर पर जो है अपने लेवल पर कोई हल निकाल सकते हैं तो वो हल निकाला जाए। ठीक है, तो 12 जून को होगी अगली सुनवाई, क्या इसको लेकर, क्योंकि जानकारी और क्या है? जब देखो 12 जून को इस मामले पे अगली सुनवाई होनी है। देखिए, आपको बता दें कि पहले सिर्फ और सिर्फ स्कूलों का पक्ष जो है कोर्ट ने सुना था, उसके बाद पंजाब सरकार ने भी रुख कर दिया था। लेकिन जो स्कूल थे वो कह रहे थे कि ये हमारा और अभिभावकों का मैटर है, इसलिए पंजाब सरकार है जो इसमें कुछ ना बोले। लेकिन पंजाब सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था और मुख्यमंत्री खुद ये क्लियर कर चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जाए और कोई फीस जो है ना ली जाए। लेकिन अब 12 जून को ये देखना होगा कि कोर्ट फैसला क्या सुनाती है, क्या जो इंटरिम ऑर्डर्स है उसको बरकरार रखती है या उसमें कोई ना कोई बदलाव जो है वो किया जाता है, क्योंकि अभिभावक और सरकार इस वक्त कहें तो एक साथ है, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। शुक्रिया आपका नितिका, तमाम जानकारी देने के लिए।